फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं होटल से चित्रकूट यात्रा दर्शन के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कामदगिरी परिक्रमा मार्ग स्टार्ट हुआ है। यहीं से स्टार्टिंग करते हैं परिक्रमा की। अब हम लोग स्टार्टिंग कर दिए, ये यहीं से शुरुआत होती है परिक्रमा की। अब हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर परिक्रमा जब करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका जाता है। ये कामताना जी का ये जो ये मंदिर बनी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ी देर ठहरते हैं लोग। एक सेकंड के लिए ज़रूर बैठना पड़ता है, उसके बाद आप फिर परिक्रमा स्टार्ट करिए। ये देखिए लिखा भी है दंडोटी परिक्रमा। अब श्री कामदगिरी मंदिर हम लोग पहुंच गए हैं। अब जा रहे हैं कामदगिरी का हम लोग दर्शन करेंगे। विस्तदोहं तीर्थास्पदं शिवविरंचि नूतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्विपूतं वंदे महापुरुषोत्तम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो खंभे दिख रहे हैं यहाँ पे सीताराम सीताराम लिखा जाता है सब सारे खंभों पे जितने बने हुए हैं वहाँ पे। फिर भगवान का दर्शन करके बाहर हम लोग गए हैं। ये देखिए वशिष्ठ आश्रम, श्री गुरु वशिष्ठ आश्रम, इनका दर्शन किया हम लोगों ने। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भरत जी राम जी से मिले थे। यहीं पे भरत मिलाप हुआ था राम और भरत का। ये देखिए यहाँ पे चरण चिन्ह है भगवान श्री राम जी के। बहुत ध्यान से ठीक से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप देख ली, ये देखिए। अब हम लोग लक्ष्मण पहाड़ी जा रहे हैं। यहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ कर के जाना पड़ता है ऊपर। बनाया जा
बनाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही बंदर हैं, बहुत संभाल के चलना पड़ता है। आप देखिए यहाँ ये सीता रसोई है, इधर साइड में आप देख सकते हैं सीता जी सबको परचाए हैं। यहाँ पे सीता रसोई है, अभी ठीक से जाने का मार्ग नहीं बना हुआ है इधर सही से। ये लक्ष्मण पहाड़ी है जाने का, ये देखिए आप देख सकते हैं सीढ़ियों से जाना पड़ता है। यहाँ पे बंदर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत संभल के जाना पड़ता है, नहीं तो ट्रॉली की भी सुविधाएं हैं यहाँ जाने के लिए जो लोग सीढ़ियों से ना जा सकें। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम लोग लक्ष्मण पहाड़ी पर जब पहुँचे ऊपर वहाँ से ये सीन लिया था। ये देखिए ये मनसा देवी हैं, यहाँ जो भी मन्नत मांगे वो पूर्ण होती है। ये लक्ष्मण कूप है, यहाँ आज भी पानी है, आप देख सकते हैं इतने ऊपर पहाड़ी पर। अब कामतानाथ जी की परिक्रमा पूर्ण हुई। अब हम लोग जा रहे हैं गुप्त गोदावरी माँ के दर्शन करने। अब हम लोग गुप्त गोदावरी पहुँच गए हैं, अब यहाँ से प्रसाद लेकर के फिर माँ के दर्शन करेंगे। और सबसे पहले टिकट में लाइन लगानी पड़ती है, टिकट ले रहे हैं। सही होगा, चलो चलो जाना पड़ेगा कर्मचारी। ये गोदावरी गंगा है, यहाँ पर सभी लोग हाथों में जल लेकर अपने ऊपर छिड़कते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। ये आप देख सकते हैं ये गुप्त गोदावरी है, ये देखिए यहाँ पे पानी हमेशा रहता है। ये यहाँ स्टार्टिंग में पानी थोड़ा कम रहता है, आगे चल के घुटने तक हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सक्रिय जगह है। अब हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं, फिर आप देख रहे हैं हम लोग माता अनुसुईया के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देख लीजिए थोड़ी थोड़ी तो सब मालूम है, तैयार होते बस कर। परम श्री परम अनुसुईया माता के मंदिर पहुंच गए हैं, ये आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। हमने जा रहे हैं बहुत बड़ा ये तो फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।